कलाया थलके का छोटा सा गांव जुलानी खेड़ा वैसे तो तमाम सुविधाओं से युक्त है, मगर आज इस गांव को 51 लाख रुपए की डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात मिली है। आज गांव के सरपंच नरेंद्र जुलानी खेड़ा की मौजूदगी में डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास कार्यक्रम था, जिसमें कैथल जिला परिषद के चेयरमैन दीप मलिक और जाट शिक्षण संस्थान के प्रशासक और तहसीलदार डॉक्टर अनिल बिढ़ान भी मौजूद रहे। जुलानी खेड़ा गांव के पंचायत घर के पास बनने वाली डिजिटल लाइब्रेरी तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इसका फायदा गांव के साथ साथ गोहाण में पढ़ने वाले बच्चों को भी होगा। वहीं लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों की एंट्री भी फ्री रहेगी। दरअसल जाट शिक्षण संस्थान में चल रहे जोनल यूथ फेस्टिवल के दौरान चेयरमैन दीप मलिक ने 51 लाख रुपए से डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की थी, तभी से ग्राम पंचायत जुलानी खेड़ा ने पहल का स्वागत करते हुए खुद के गाँव में लाइब्रेरी बनवाने की पेशकश की। आज गांव में डिजिटल लाइब्रेरी के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद गांव गोहाण के बच्चों को इसके जल्द पूरा होने की उम्मीद जगी है। हालांकि जाट शिक्षण संस्थान और ग्राम पंचायत दोनों मिलकर लाइब्रेरी की देखरेख करेंगे। वहीं पूरी जानकारी देते हुए प्रशासक और तहसीलदार डॉक्टर अनिल बिढ़ान क्या बोले, देखिए। ये एक्चुअली जो ग्रामीण अंचल में है, एक लाइब्रेरी का उद्घाटन शिलान्यास का जो आज एक कार्यक्रम है, तो यहाँ पर जो ग्रामीण अंचल के अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे लाइब्रेरी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि आत्म मनन करता है स्टूडेंट विद्यार्थी, और बेस्ट रूप से वो अपनी प्रतिभा को जो है निखार सकता है। संसाधनों की कमी, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ग्रामीण अंचल में रहती है, तो जब 27th जो युवा महोत्सव था जाट संस्थान में, अब की बार कुरुक्षेत्रा जोन का, तो वहाँ पर ये घोषणा जो है चेयरपर्सन जिला परिषद दीप मलिक जी ने की थी यहाँ लाइब्रेरी की सौगात देने की, तो उसका आज शिलान्यास का जो कार्यक्रम है, और जाहिर सी बात है कि जो ग्रामीण अंचल में है इसका भरपूर मुझे लगता है कि लोगों को फ़ायदा मिलेगा। कितने बजट से बनने जा रही है, कितना कुछ एरिया होगा सर? टोटल जो घोषणा थी 51 लाख रुपए की थी, जो जिला परिषद दीप मलिक जी ने की थी, अध्यक्ष ने, चेयरपर्सन ने, तो उसमें से जो 25 लाख सैंक्शन हुए हैं, तो उसका जो शिलान्यास का जो कार्य है आज भवन निर्माण का, तो वो स्टार्ट होने जा रहा है। जाट शिक्षण संस्थान की क्या भूमिका रहेगी इसमें? जैसे कि जो जाट शिक्षण संस्थान का ही ये भवन रहेगा, और जो पंचायत है BDO के मार्फत, जो डायरेक्टर पंचायती राज है, वहाँ इनको लैंड ट्रांसफ़र के लिए केस भिजवाएगी, तो जो देखरेख रहेगी वो जाट संस्था की रहेगी, पंचायत भी उसमें सहयोग ही करेगी, क्योंकि आखिरकार जो है ये एक कह सकते हैं कि जनहित में रहता है लाइब्रेरी का जो कार्य है। डेडलाइन भी है सर इसकी, कब तक बन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि पंचायत इसकी देखरेख कर रही है, BDO साहब हैं, तो उस तरह से हो सके। गांव गोहाण के बच्चे भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या उनकी भी एंट्री होगी सर इसके अंदर? बिल्कुल, सभी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सभी के लिए विद्यालय और जो लाइब्रेरी है, हमारी जाट संस्था की लाइब्रेरी अभी चल रही है शहर में भी, वहाँ भी गांव गोहाण, ग्रामीण अंचल से, शहरों से, यानी प्रत्येक वर्ग से छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं और अपना जो भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ भी उसी तरह की एक परंपरा जो है चलाई जाएगी जाट संस्था के द्वारा, कि भी यहाँ गांव गोहाण जहाँ से भी लोग आना चाहे, बैठना चाहे, पढ़ना चाहे, लड़के लड़कियाँ जो भी अपने जो है मुकाम तक पाने के लिए, अपने भविष्य की जो योजनाओं को सार्थक करने के लिए आएँ। जैसा कि डिजिटल लाइब्रेरी नाम दिया गया है, तो क्या अनुमान है किस तरीके की डिजिटल लाइब्रेरी? जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ई लाइब्रेरी यानी जो कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी होगी, और डिजिटल जो बुक्स हैं अवेलेबल रहेंगी, उसके अंदर इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी, तो एक हाईटेक कह सकते हैं कि डिजिटली ये लाइब्रेरी होगी, ना केवल बुक्स रहेंगी बल्कि साथ साथ में जो इंटरनेट के मार्फत जो ई बुक्स का जो चलन है उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा ग्रामीण अंचल में। जैसा